बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया को समझते हैं कुछ ही मिनटों में। सबसे पहले पढ़ते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो तो 25 सेंटीमीटर होता है, पर जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से कम होता है। तो चलो फिर देखते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले अगर मायोपिक आई का फार पॉइंट की बात करें, तो फार पॉइंट मेरा क्या है, देखो फार पॉइंट मेरा क्या होगा, यहाँ पे मान लो ये है मेरा फार पॉइंट, क्योंकि इन्फिनिटी से तो कम ही है, ये इन्फिनिटी तो दिखता ही नहीं यहाँ से। तो ये मेरा, जैसे मान लो यहाँ कनकेव लेंस तो लगा ही होता है हमारी आँखों में, तो ये सीधी जाएगी, अब यहाँ से रे जाएगी मेरी, ठीक है, एक रे ऐसे गई, अब वो सीधी चली गई, हाँ भाई परफेक्टली चली गई, ऐसे कन्वर्ज हुई चली गई। तो ये मेरा क्या है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है, ठीक है। अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूँ, ठीक है, मान लो मायोपिया में अगर मैं इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मेरा कनकेव लेंस तो है ही, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, तो अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, ज़्यादा बड़ा बना दिया ना, इतना ही बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इन्फिनिटी से रे आएगी तो वो सीधी ही आएंगी, तो वो क्या करेंगी, ऐसे जाएंगी, और इन्फिनिटी से ऐसे रे जाएंगी तो वो सीधी ही आएंगी, तो ऐसे जाएंगी, तो क्या होगा, रेटिना से पहले ही इमेज मेरी यहाँ पे बन गई, इमेज यहाँ का, यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो दिखेगी ही नहीं, तो दैट इज़ वाई ये मेरी एक मायोपिक आई है, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे इसका करेक्शन करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे एक कनकेव लेंस तो लगा ही हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस तो लगा ही हुआ है, तो एक कनकेव लेंस लगा देती हूँ, तो क्या होगा भाई, अब प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। अब क्या होगा, अगर मान लो मेरी ऐसे इन्फिनिटी से रेज आई तो वो पहले क्या करेगी, कनकेव लेंस से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होगी, फिर वो कनवेक्स लेंस तक आएगी और फिर वो पहुंच जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे होगा, तो ये ऐसे थोड़ी डाइवर्ज करेंगी और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके चली जाएंगी और एकदम रेटिना पे आके इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये है करेक्शन फॉर मायोपिया, तो एक कनकेव लेंस लगा लो, मायोपिया का करेक्शन हो जाएगा। प्लस एक और बात बता देती हूँ मैं आपको कि ये क्यों होता है। सबसे पहले तो रीज़न है इसका एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, अगर आईबॉल आपकी बहुत बड़ी हो, मतलब लंबी हो गई है, तो उस वजह से ये हो सकता है। और दूसरा, अगर आपका एक्सेसिव कर्वेचर बढ़ रहा है, आईज़ का क्या है, कर्वेचर बढ़ गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई अगर ये हो जाता है, इन दोनों रीजंस में से कोई भी रीजंस हो सकता है मायोपिया के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया बहुत ही रॉकेट साइंस वाला टॉपिक तो ये भी नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके जो फार पॉइंट होता है वो तो इन्फिनिटी होता है, पर नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो मान लो जैसे मेरी यहाँ पे ये आँखें हैं, तो इसका जो नियर पॉइंट है वो, जैसे मान लो ये 25 सेंटीमीटर है, बट 25 सेंटीमीटर नहीं है उसका, उसका यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ कॉनकेव लेंस लगाया मैंने, तो यहाँ से अब जो रेज आएंगी वो परफेक्टली रेटिना पे इमेज बना देंगी, ठीक है। नियर पॉइंट एक्चुअल में ये होना था, ये नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई होता है, ठीक है, बट इसका क्या है, नियर पॉइंट ये है, तो ये मेरी हो गई हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट, ठीक है, ये समझ आ गया। अब अगर मान लो मुझे देखना है कि अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे रखूँ तो क्या दिक्कत है, तो चलो भाई 25 सेंटीमीटर मान लो ये है, तो ये यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कनकेव लेंस है, आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से रे जाएंगी, वो जो है बनाएंगी तो इमेज बट दूर बना देंगी, ऐसे जाएंगी और दूर भी इमेज बना देंगी, रेटिना पे बनेगी ही नहीं, रेटिना से आगे इमेज बन जाएगी, इधर इमेज बन जाएगी और वो दिखेगी तो नहीं फिर, क्योंकि हमें तो रेटिना पे चाहिए। तो इसको क्या करेक्शन क्या करें इसकी, इसको कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये मेरी आई बॉल है, क्या करेगी यहाँ पे, ये मेरा कनकेव लेंस तो है ही, सॉरी कन्वेक्स लेंस तो है ही, अब एक कनकेव लेंस की जगह कन्वेक्स लेंस एक और लगा दो, तो क्या होगा, मान लो ये यही मेरा नियर पॉइंट है, ये 25 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से एक रे जाएगी ऐसे, एक ऐसे, तो वो क्या करेगी, थोड़ी सी
कन्वर्ज होगी, ठीक है, फिर वो यहाँ पे आएगी, फिर वो कन्वर्ज हो जाएगी तो रेटिना तक पहुँच जाएंगी, ऐसे ही होगा, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तो एकदम रेटिना पे ही इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये है करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, करेक्शन है ये, जिनको जिनकी पास की नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए होता है। तो अब ये डिफेक्ट दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो सबसे पहला है कि जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आई बॉल काफ़ी छोटी हो गई है, पहला रीज़न है। और नेक्स्ट है कि आई बॉल छोटी हो गई है, ठीक है, आई बॉल इतनी सी, ऐसे जैसे इतनी होती है ना, तो इतनी हो गई, ठीक है। तो ये दो रीजंस होते हैं, फोकल लेंथ है, या तो आई लेंस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आई बॉल काफ़ी छोटी बन गई है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेसबायोपिया पे, प्रेसबायोपिया पैर से, ये तो बहुत इजी है, ये तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया समझ आ गया, तो ये तो बहुत ही ईजी है। प्रेसबायोपिया क्या होता है, क्या होता है कि होता तो ये एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिया ही है, बट इसमें जो हमें दिखना बंद होता है वो एजिंग की वजह से होता है। जैसे मान लो बुढ़ापे में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो तो क्या होता है कि आपको आपकी पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो नियर पॉइंट आपका क्या होता है 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। तो दिस इज़ नोन एज प्रेसबायोपिया, एंड इस वजह से उन्हें पास का अच्छे से दिखता नहीं है, तो इसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो इससे ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है, किस लिए होता है ये, किस वजह से होता है ये, एक तो वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, ये इसका एक रीज़न हो सकता है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स भी क्या हो जाती है, घट जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स क्या होती है, घट जाती है। तो ये मेरे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रेसबायोपिया होता है। अब यहाँ पे इसके लिए भी क्या करना है, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक कन्वेक्स लेंस ही चाहिए, ठीक है, ठीक करने के लिए। तो अब एक बात सुनो मेरी, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो है एक पर्सन को मायोपिया भी हो जाता है प्लस हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, तो अब वो बंदा क्या करता है, वो लगाता है बायफोकल लेंस, ठीक है, वो क्या लगाता है, बायफोकल लेंस लगाता है। बायफोकल लेंस क्या होता है, उसके अंदर कॉनकेव लेंस भी होता है, कन्वेक्स लेंस भी होता है। तो जो अपर पोर्शन है, जैसे मान लो ये मेरा चश्मा का लेंस है, तो इसका जो अपर पोर्शन है ना, ये वाला अपर पोर्शन, येल्लो येल्लो येल्लो, ये येल्लो वाला पार्ट जो है, ये मेरा होता है कॉनकेव लेंस, एंड जो लोअर पार्ट होता है ये वाला, ये होता है कन्वेक्स लेंस। तो नीचे कन्वेक्स होता है, ऊपर कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है भाई। तो ये इससे हमारा नियर विजन, डिस्टेंट विजन दोनों ही हमें देखने को मिल जाती है। अब इस चीज़ को ना हम सर्जिकल इन्वेंशंस के थ्रू भी आजकल हम अपने चश्मे वश्मे को हटा सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्जरीज में क्या होता है ना, कभी कभार काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम सर्जरी कराने चले जाओ, नहीं नहीं ऐसा मत करना। एनीवेज अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।